दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। और क्या आपको पता है कि जब नॉर्थ कोरिया में रात होती है तो पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाती है। और क्या आप बिलीव करेंगे कि यहां हर कोई अपनी मर्जी से मोबाइल नहीं खरीद सकता। तो आज की वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, अगर कार की बात करें तो ये बेसिक नीड बन चुकी है और 100 में से 60% लोगों के पास तो कार मौजूद है। वैसे तो दुनिया के हर इंसान के पास ये इख्तियार होता है कि अगर इसके पास पैसे हैं तो अपने लिए कार खरीद सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए कार लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में बहुत ही कम लोगों को कार लेने की परमिशन होती है। मिसाल के तौर पर इस मुल्क के अंदर 100 में से एक शख्स के पास गाड़ी होती है। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि पूरे नॉर्थ कोरिया के 90% गाड़ियां गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास मौजूद हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हें ही गाड़ी खरीदने की इजाज़त होती है। अगर इसके अलावा किसी के पास पैसे ही मौजूद हैं तो वो अपनी मर्जी से कार को नहीं खरीद सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में फीमेल्स को ड्राइव करने की इजाज़त नहीं होती। इवन के वुमेन गवर्नमेंट ऑफिशियल भी कार ड्राइव नहीं कर सकती। इस मुल्क का रूल ये है कि यहाँ सिर्फ मेल ही ड्राइव कर सकते हैं। वेल, इससे अजीब गरीब मुल्क शायद ही कोई और होगा। दोस्तों, अगर मोबाइल फोन्स की बात की जाए तो आजकल हर शख्स के पास मोबाइल होता है और अब मोबाइल हर इंसान की बेसिक नीड बन चुका है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में हर किसी को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। इस मुल्क में चंद लोग ऐसे हैं जिनको इनकी ज़रूरत के मुताबिक सेल फोन रजिस्टर करवाने की परमिशन होती है, बाकी आम सिटीजन तो फ़ोन को देख भी नहीं सकते। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद भी हैं वो भी महदूद सी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके फ़ोन्स को बाकायदा मॉनिटर भी किया जाता है और इन पर नज़र रखी जाती है। एक और बात यह है कि इस मोबाइल से कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकता। इससे बेहतर यह है कि बंदा लेटर ही लिख ले। दोस्तों, अगर किसी के पास पैसे मौजूद हों तो वो कहीं पर भी एक प्रॉपर्टी खरीद सकता है और फिर वो प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स प्रॉपर्टी या घर वगैरह खरीद तो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इसके मालिक नहीं बन सकते। इसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया की पूरी लैंड और प्रॉपर्टी के मालिक किम जोंग उन और इसकी फैमिली है। इस मुल्क के कानून के मुताबिक जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपको ये जगह आर्जी तौर पर दी जा रही है और गवर्नमेंट आपसे इस जगह को कभी वापस ले सकती है। इससे ज़्यादा बदतर मुल्क और कोई भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग साउथ कोरिया के मशहूर ब्रांड BTS के बारे में जानते होंगे। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहां BTS ब्रांड फेमस ना हो। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां BTS बैन है। नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन ने खास तौर पर बैन किया हुआ है ताकि वहां के लोग साउथ कोरिया के कल्चर को ना अपनाएं। नॉर्थ कोरिया के लोग म्यूजिक कंसर्ट अटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन ये म्यूजिक कंसर्ट हेल्ड होने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किए जाते हैं और ये म्यूजिक नॉर्थ कोरिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में मुल्क से बाहर का हर म्यूजिक बैन होता है। वेल, इससे ज़्यादा अजीरन जिंदगी और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, बहुत से मुल्क हैं जहाँ पर लोड शेडिंग होती है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन क्या हो कि रात होते ही पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाए। नॉर्थ कोरिया में रोज इसी तरह बिजली बंद कर दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम होते ही नॉर्थ कोरिया के सारे इलाके अंधेरों में डूब जाते हैं। वहाँ के लोग पूरी रात बगैर बिजली के गुजारते हैं और सुबह सवेरे उठकर अपने कामों पर चले जाते हैं। बहरहाल, जो भी हो, इस मुल्क में रहना किसी अजाब से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो आपको पता होगा कि मीटिंग्स में नींद आ जाती है। वैसे तो ये आम सी बात है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसे बहुत बुरा समझा जाता है। अगर वहाँ कोई वर्कर किम जोंग उन की मीटिंग के दौरान सो जाता है तो उसे गुस्ताखी समझा जाता है, इसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, बल्कि बहुत बड़ी सज़ा भी दी जाती है। 2015 में किम जोंग उन की मीटिंग के दौरान डिफेंस मिनिस्टर की आंख लग गई थी। वैसे तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन इसको लगा कि इसकी बहुत बड़ी बेअदबी हो गई है और इस मिनिस्टर को इसने मौत की सज़ा सुना दी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि किम जोंग उन ने इस आदमी को पब्लिक के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन से शूट करके कत्ल करने का हुक्म दिया था। इसने ये सब इसलिए किया था कि अब इसकी शान में कोई गुस्तागी ना कर सके। दोस्तों, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहां इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो, और अब तो इसके बगैर सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये मुल्क इंटरनेट के बगैर चलता कैसे होगा। आपको बताते चलूँ कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 5,500 लोगों को ही इंटरनेट
यूज करने की इजाजत होती है और इनमें से ज्यादातर लोग गवर्नमेंट वर्कर होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोगों को तो इंटरनेट का पता ही नहीं होता। इससे भी हैरान की बात यह है कि जिन वर्कर्स को नेट यूज करने की इजाजत होती है वो भी एक स्पेशल पोर्टल के थ्रू से इस्तेमाल कर सकते हैं और लिमिटेड वेबसाइट्स को ही चला सकते हैं। इस पोर्टल का पूरा कंट्रोल किम जोंग के पास होता है। अगर कोई शख्स गैरकानूनी तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो इसे उम्र कैद हो जाती है या फिर मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन इस तरह का कोई रूल भी किम की फैमिली पर लागू नहीं होता। वेल, ये फैक्ट वाकई शॉकिंग है। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया के लोग इस आदमी के गुलाम बनकर रहते हैं और जिस तरह इनकी इज्जत करना लाजमी है, इस तरह इनकी पिक्चर्स की इज्जत करना जरूरी है। वहाँ के रूल के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के हर घर में किम जोंग उन के दादा की पिक्चर होना जरूरी है, क्योंकि किम जोंग उन के दादा नॉर्थ कोरिया के फाउंडर थे। और हर शहरी पर लाजिम है कि इस तस्वीर का ख्याल रखे और अगर किसी वजह से ये तस्वीर डैमेज हो जाए या इस पर डस्ट आ जाए तो ये कानूनन जुर्म है और इसे सजा भी दी जाती है। 2020 में एक औरत के घर आग लग जाती है। इस औरत ने खुद को और अपने बच्चों को तो बचा लिया था, लेकिन ये तस्वीर को नहीं बचा पाई और वो तस्वीर जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। किम जोंग उन के मुताबिक इस औरत को तस्वीर को जलने से ज़रूर बचाना चाहिए, फिर चाहे इसकी और इसके बच्चों की जान ही क्यों ना चली जाए। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और इसी तरह की आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें।